हेलो दोस्तों, फाइल रीटेक में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए टेक वीडियो के साथ मिल रहे हैं। मेरे पास एक एक्सेल सीट है, उसमें मैं कुछ भी एडिट कर रहा हूँ, कुछ भी ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो उसमें बार बार एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड सीट है। तो हम प्रोटेक्शन को कैसे हटा सकते हैं परमानेंटली, और इसका हम बहुत ही ईजी वे में आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इस एक्सेल सीट को हम कैसे अनप्रोटेक्ट कर दें और हम इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसका सोल्यूशन देते हैं। इसके सोल्यूशन में हम करेंगे कि ये एक्सेल सीट है जिसमें बार बार हमें एरर आ रहा है और उसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस सीट पे पासवर्ड लगा हुआ है, प्रोटेक्शन है, उस पर हम सीट पे राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्शन सीट पर क्लिक करेंगे और एक्सेल का पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमने पासवर्ड डाल रखा है उसको ओके करेंगे। अब ये सीट अनप्रोटेक्टेड हो चुकी है, अब इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिसको जैसे इसको हम सेव करेंगे, बंद करेंगे, वापस से उसे मिरर आएगा, तो उसका हम परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। उसके लिए हम पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे और हम एक नई एक्सेल सीट ओपन करेंगे और उस पर हम पेस्ट कर देंगे। पूरी सीट को पेस्ट करने के बाद इसको हम किसी एक नए नाम के साथ नए लोकेशन पर सेव कर लेंगे। तो हमने अपनी नई शीट को नए नाम के साथ सेव कर लिया। अब इसको बंद कर देते हैं और वापस हम उस नए शीट को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें हम कुछ भी एडिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं कुछ भी एडिट कर पा रहा हूँ, उसमें कोई प्रोडक्शन एरर भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम सेव करते हैं और अब हम चलते हैं, इस सीट को पूरी तरह से सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे और हम चलते हैं पुरानी एक्सेल सीट पे और इस सीट को हम सिलेक्ट करेंगे और पूरी सीट को ही हम डिलीट कर देंगे और इस सीट के नाम के साथ भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम एक नई सीट को जनरेट करेंगे, इसको रीनेम करेंगे, आपको जो भी नाम देना है दे सकते हैं। तो नया सीट हमने बना लिया है। अब मैंने जो नया एक्सेल सीट बनाया है उस सीट के डाटा को कॉपी करेंगे और इस पर वापस पेस्ट कर देंगे। तो हम वापस नए वाले एक्सेल सीट पे आते हैं, पूरा सीट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और हम वापस इस सीट पे आएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है और एक बड़ी फाइल है, इस पे जो भी सिस्टम था इसमें हमें फिल्टर लगाना है, तो हम इसको कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर लगा देंगे और इसको वापस हम सेव कर देंगे। सेव करने पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अब एडिट कर रहे हैं, कुछ भी कोई प्रोटेक्शन एरर नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है। अब इसको हम बंद करते हैं सेव करके और हम दोबारा ओपन करके चेक करते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम एरर एक्सेल शीट में आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं आ रहा है और हम सभी शीट पे इजी तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, हम एक्सेल शीट के प्रोडक्शन एरर को हटा सकते हैं बहुत ईजी वे में और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियो के साथ अगर कुछ भी नॉलेज मिल जाए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।